बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज माशाल्लाह आज हम बनाएंगे दम फिश फ्राई। कैसे बनाई जाती है और हमको क्या क्या चाहिए, आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। ये रही हमारी मछली माशाल्लाह। ओके, टमाटर 5 अदद प्याज मैंने लिए, उसको ऐसे गोल गोल काट लिया। 3 अदद टमाटर लिए, गोल गोल काट लिया। 1 अदद मैंने वो लहसुन की वो पूरी तूरी ली थी, पूरा उसका एक गुच्छा जो होता है वो लिया था, उसको इस तरह से काट लिया। एक टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून मैंने दादर मिर्ची ली है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची ली है, 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने फ़िश मसाला लिया है, ठीक है, और 2 टेबल स्पून मैंने दादर किया हुआ सूखा धनिया लिया, ठीक है। अब मैं फ़िश को कटिंग करूँगा और उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िश मैंने काट लिया है, फ़िश को मैं थोड़ा सा पानी उसका ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। उतनी देर में हम बनाएंगे मसाला, ठीक है। ये जो मैंने फ़िश मसाला लिया ये डालेंगे, रेड मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी और आधी बचाएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ी डाली, आधी मैंने बचाई। हल्दी मैं पूरी डाल दूंगा, ठीक है, और नमक 1 टेबल स्पून लिया था, मैं पूरा डाल दूंगा, ठीक है। और मसाला जब मिक्स करूंगा चेक कर लूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ऐड करने से पहले मैं सूखा धनिया भी थोड़ा डालूंगा आधा, और आधा बचा लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जितना हमारा मसाला अच्छा सा हो जाए, ठीक है। अब मैं मसाले को मिक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने हाथ की मदद से मसाले को बिल्कुल मिक्स कर दिया, ठीक है। अब हम डालेंगे फिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम डालेंगे फिश। फिश मैंने डाल दिया और अच्छे से मैं मसाला लगा के आपके साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है जी। मैंने मसाले को देखो, फिश को कट भी लगाए हैं और कट के अंदर भी डालूँगा, ठीक है, मसाला लगाऊँगा जी। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे तरीके से लग गया। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगा, ठीक है। अगर तो आपने और टेस्ट चाहिए, अच्छा टेस्ट चाहिए, तो आप सुबह मसाला लगा दो और रात को खाओ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। मैं इसको 20 मिनट के लिए रख दूंगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और अब मैं इस फ्राई पैन में डालूंगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ठीक है, ऐसे। ओके, आप देख सकते हैं, ठीक है, कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया, ठीक है। और मैं इस वाले फ्राई पैन में भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगा अपना, ठीक है। आप देख सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है आप डाल सकते हैं, ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। और अब तेल गरम होने तक इंतज़ार करते हैं जी। हाँ जी, ये भी हमारा कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है। अब डालेंगे ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा पाउडर डाला मैंने, ज़ीरा डाला। उसके बाद लहसुन जो मैंने काटा था, ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी हमारा ऑयल गरम हो गया। इसमें डालेंगे फ़िश। 20 मिनट हो गए थे फिश को मसाला लगे हुए, इसमें मैं डालूँगा फिश। देख सकते हैं माशाल्लाह, दूसरी फिश भी डालूंगा इसमें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों फिश मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा घुमाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से घुमा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से। अब हम डालेंगे प्याज।
प्याज मैंने डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं प्याज मैंने डाल दिया। ठीक है, प्याज को अच्छे से मिक्स करूँगा और इसको थोड़ा सा दम लगाऊंगा। ठीक है, प्याज मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ा सा प्याज को दम लगाऊंगा। तब तक हमारी फिश भी फ्राई हो रही है। प्याज को मैंने दम लगा दिया, आप देख। ठीक है, फिश हमारी फ्राई हो रही है। अब मैं डालूंगा नमक। नमक मैंने डाल दिया और बाद में चेक करूंगा कम है कि ठीक है, और अच्छे से मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के बाद फिर मैं दम पे बैठा दूंगा इसको। जी दोस्तों, मेरी फिश की एक साइड पक चुकी थी, मैंने अब इसको पलटा दिया है। ठीक है, अब दूसरी साइड पक रही है, उतनी देर हमारा ये भी मसाला भी बन रहा है। ठीक है, इसका मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करूँगा क्योंकि अब हमारी फिश तैयार होने को आ गई है, तो इसलिए जल्दी से इसको भी बनाऊँगा। ठीक है जी दोस्तों, मैं अब हरी मिर्ची, तीन हरी मिर्ची ली थी, उसको ऐसे सेंटर से मैंने काट लिया था। ठीक है, तीन हरी मिर्ची मैंने डाल दी हैं और अच्छे से मिक्स करता हूँ और थोड़ा दम बैठाता हूँ। जी आप देख सकते हैं प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया। अब डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने टमाटर डाल दिए। ठीक है, और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा दम लगाऊँगा। ठीक है, दम कैसे, चूल्हा जल रहा है मेरा, कवर पकड़ा, ढक दिया, बस ये मेरा दम लग गया, फिश भी बन रही है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, देखें टूट भी रहे हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे थोड़ा सा जो हमने बचाया था फिश मसाला, थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लाल मिर्ची, हाफ टेबल स्पून से भी कम। ठीक है, दादर मिर्ची थोड़ी सी डालेंगे। ठीक है, और काली मिर्ची। ठीक है, नमक हमने पहले डाल दिया था, नमक चेक कर लेंगे मिक्स करके। ठीक है, ये देखिए हमारी फिश भी सू सू कर रही है, सू सू के खा लो मुझे, अभी तक क्यों छोड़ रहा है। वेट 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 फिश वेट, अभी खाएंगे तुम्हें। अब देख सकते हैं करी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगा। अभी फ्राई पैन पे आग चल रही है नीचे। ठीक है, फिश भी हमारी तैयार है, अभी डिश आउट करने का टाइम हो चुका है हमारा, और अल्लाह के हुक्म इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप, अदर हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया है माशाल्लाह। प्लेट में डाला, देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। फिश भी हमारी तैयार हो गई है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं हमारी फिश कितनी मज़े की और कितनी ही टेस्टी बनी है। ठीक है, आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़क में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इमरान भाई टेस्ट करें, टेस्ट करें, टेस्ट करें। जी जी, आप भी करें। कैसी बनी है इमरान भाई? बहुत अच्छा। हाँ जी प्रदीप भाई, कैसी बनी है? जबरदस्त, दम मच्छी। ओके, हाफिज़।